हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका BPCS क्लासेज में। हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंतर्गत पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स आदि का उपयोग करना। आज हम सीखेंगे चार्ट एंड स्क्रीनशॉट का यूज करना। तो दोस्तों, चार्ट का हम यूज किस लिए करते हैं? किसी भी नंबरिकल डाटा को ग्राफिकल डाटा से कंपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आज हम बताते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है। मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको काफी चार्ट मिलते हैं, कॉलम्स, लाइन, पाई, बार, इस प्रकार से आपको काफी प्रकार के चार्ट यहाँ मिलते हैं। तो मैं यहाँ कॉलम्स सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपके पास एक एक्सेल शीट ओपन हो जाती है जिसमें कुछ नंबरिकल डाटा होता है और यहाँ आपके पेज पर चार्ट ओपन हो जाता है। इस डाटा में आप कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, कोई भी चेंजेस ला सकते हो आप। मैंने यहाँ 2020 लिखा है, यहाँ 2021 लिख देता हूँ और यहाँ 2022 लिख देता हूँ। इस प्रकार से आप कोई भी चेंजेस करोगे तो आपको यहाँ चार्ट में चेंजेस नजर आएंगे। यहाँ पे नाम दे देता हूँ, कोई भी नेम है, राम है, श्याम है, इस प्रकार से यहाँ कोई भी नाम चेंज कर सकते हो या आप अपनी तरफ से भी कोई डाटा यहाँ रख सकते हो। देखो इधर ये नाम चेंज हो गए हैं, राम है, श्याम है, इस प्रकार से आप यहाँ पे इस चार्ट में कोई भी चेंजेज कर सकते हो। अब यहाँ से आप इस चार्ट में यहाँ से कोई डाटा चेंज करना चाहते हो, यहाँ मैंने ऐड किया है, ये देखो इधर चार्ट में चेंजेज हो रहे हैं। यहां से इस एक्सेल शीट को क्लोज कर देता हूं। एक्सेल शीट को क्लोज करने के बाद आपको दिख रहा होगा डाटा, इधर मैंने ईयर्स डाले थे, ईयर से आ गए हैं एंड इधर से नेम्स थे, तो मैंने यहाँ नेम्स चेंज किए थे, तो यहाँ पे नेम्स भी चेंज हो गए हैं। अब यहां से आप चार्ट की स्टाइल्स में परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास काफी स्टाइल्स दी होती हैं चार्ट की, देखो चार्ट की कोई भी आप स्टाइल्स ले सकते हो। यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ से दिख रहा आपको लेआउट्स, आप डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स यहाँ पे ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे डाटा में कोई परिवर्तन करना है, तो यहाँ से मैं जो आपको एडिट डाटा ऑप्शन नजर आ रहा है, एडिट डाटा पे क्लिक करते ही एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। ये देखो मैंने यहाँ क्लिक किया एडिट डाटा पे तो एक्सेल शीट रीओपन हो गई, यानी कि दोबारा से ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आप कोई भी परिवर्तन कर सकते हो। मैंने यहाँ नेम परिवर्तन किया, ये देखो यहाँ पे नेम परिवर्तन किया है, यहाँ पे डाटा में कोई परिवर्तन कर देता हूँ, ये देखो इस प्रकार से आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके गाइस, इस तरह से आप चार्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हो। यहाँ से सिलेक्ट डाटा है, यहाँ दोबारा से आप कोई भी डाटा सिलेक्ट कर सकते हो। आपके पास और कोई डाटा पहले से तैयार है तो आप उस डाटा को सिलेक्ट करके उसका चार्ट बना सकते हो। मैं इसको एक्सेल शीट को फिर से क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ से चेंज चार्ट टाइप, यहाँ से आप चार्ट में, यानी कि आपको लाइन चार्ट लेना है तो लाइन चार्ट ले सकते हो, तो आपके कॉलम चार्ट के स्थान पर लाइन चार्ट आ जाएगा। दिख ही रहा है दोस्तों कि इस प्रकार से आप चार्ट में चेंजेस करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप, जैसे मैं पाई चार्ट लेना है तो मैं पाई चार्ट पे क्लिक करके ओके कर दूंगा तो उसी चार्ट में चेंजेस हो जाएगा। अब ये ऑप्शन अपना स्क्रीनशॉट का, स्क्रीनशॉट ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं मैं बता देता हूं आपको। यहाँ स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन ये देखो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप जितना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लेफ्ट को दबाए रखें और जितना आप ड्रॉ करेंगे उतना ही स्क्रीनशॉट आपके पेज पे आ जाएगा। ये देखो आपके पेज पर स्क्रीनशॉट आ चुका है। या फिर आपको किसी अन्य को लेना है, जैसे मुझे विंडो ओपन है और उस ओपन विंडो का ही स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहाँ पे मैं काफी विंडो ओपन कर देता हूँ। 1 मिनट, जैसे मैंने पावर पॉइंट ओपन कर दिया तो वो पावर पॉइंट ओपन है, तो यहाँ स्क्रीनशॉट पर क्लिक करूंगा तो देखो पावर पॉइंट का आ गया,
इस पे क्लिक करते ही आपके पास एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास और कोई विंडो अवेलेबल है, और कोई विंडो ओपन है, जैसे मैं विंडो ओपन कर देता हूँ और मैं बैक आ जाता हूँ, और यहाँ मैंने एक्सेल की विंडो ओपन की है, और यहाँ एक्सेल के अलावा टाइपिंग की विंडो ओपन कर देता हूँ। इस प्रकार से मैं कुछ विंडोज ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने विंडो ओपन कर ली, यहाँ से पावर पॉइंट की ओपन कर दी, एक्सेल की ओपन कर दी, टाइपिंग की ओपन कर दी। इस प्रकार से मैं अब वापस स्क्रीनशॉट पर जाता हूँ, इंसर्ट टैब और स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट पर वापस क्लिक करूंगा तो अवेलेबल विंडोज के अंदर मुझे यहाँ विंडोज नजर आएंगी। जैसे मैं यहाँ इस पे क्लिक करता हूँ तो ये एक्सेल की विंडो ओपन हो गई है। अब यहाँ से आपके पास मैंने टाइपिंग भी ओपन की थी, तो टाइपिंग का भी यहाँ क्लिक करूंगा तो टाइपिंग की स्क्रीनशॉट आ जाएगा। जो अवेलेबल विंडोज होंगी वो ओपन हो जाएंगी। अदरवाइज आपको जैसे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो वापस स्क्रीनशॉट पर जाइए, और यहाँ आपको नीचे स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन मिलेगा। स्क्रीन क्लिपिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके आप स्क्रीन यहाँ ओपन हो जाती है, तो ये यहाँ से डायरेक्ट भी आप स्क्रीनशॉट ले जा सकते हैं जितना आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। ये देखो मैंने जितना एरिया सेलेक्ट किया है उतना स्क्रीनशॉट आ गया है। या फिर आपको किसी स्क्रीन पर ये आपको आइकन्स नजर आ रहे हैं, इन आइकन्स का स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ अवेलेबल विंडोज को आप मिनिमाइज कर दीजिए, और यहां से क्लिक करके वापस स्क्रीनशॉट पे जाता हूँ, स्क्रीन क्लिपिंग। यहाँ पे देखो आपके पास जो आइकन्स नजर आ रहे हैं, इनमें से किसी भी आइकन को आप सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने एमएस पेंट सिलेक्ट किया है, इसमें क्लिक करता हूँ तो एमएस पेंट का ही स्क्रीनशॉट आया, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पिक्चर स्टाइल है, जैसे स्क्रीनशॉट में कोई भी परिवर्तन करना हो तो आप यहाँ से परिवर्तन कर सकते हैं। पिक्चर्स का बॉर्डर परिवर्तन करना है तो यहाँ से बॉर्डर में आप परिवर्तन कर सकते हैं, कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। देखो यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह चेंज की जा सकती है, जो भी आप पिक्चर में परिवर्तन करना चाहो यहाँ से परिवर्तन कर सकते हो। कलर परिवर्तन है, यहाँ से आप कलर परिवर्तन भी कर सकते हो। थैंक्स दोस्तों।